मुखिया ओम बिरला को फिर से बनाया जाएगा लोकसभा स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर, भर्तृहरि मेहताब का ही नाम आगे बढ़ाएगी बीजेपी। क्या आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट दग्गुबाती पुरंदेश्वरी को मिलेगी स्पीकर की पोस्ट या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंह? नाम कई हैं, सस्पेंस भी पीक पर है। कांग्रेस लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद पर अपना सांसद चाहती है। पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सबकी नजर टिकी है 26 जून पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश की नई संसद नई सरकार के नए सत्र के लिए तैयार है। कल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। शुरुआत के दो दिन 24 और 25 जून तो नए सांसदों को शपथ दिलाने में चले जाएंगे और फिर आएगी वो तारीख जब देश को पता चलेगा लोकसभा स्पीकर का नाम। सवाल है कि आखिर लोकसभा स्पीकर की पोस्ट कितनी पावरफुल होती है? बीजेपी हर हाल में इस कुर्सी पर अपना सांसद क्यों बैठाना चाहती है? कांग्रेस को स्पीकर पद के लिए टीडीपी क्यों पसंद आ रही है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। संविधान के जानकार और राजनीति के विश्लेषकों से ये सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कल जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो क्या होगा। इस संसद सत्र के पहले दिन सबसे पहले सुबह 9:30 बजे प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगे। उसके बाद सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद पद के वरिष्ठता क्रम में कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे और फिर बाकी के सांसद अपने अपने वरिष्ठता क्रम में शपथ लेंगे। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर आखिर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। दरअसल 18वीं लोकसभा में बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। ये चुनाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत किया, लेकिन नाम का ऐलान होते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्ष की दलील है कि कटक से चुनकर आए भर्तृहरि मेहताब सिर्फ 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, जबकि केरल की मवेली कारा सीट से चुनकर आए के सुरेश 8वीं बार सांसद बने हैं। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कुछ फैक्ट्स के साथ पलटवार किया। As far as Mr. K. Suresh is concerned, he has only served 8 non-consecutive terms. एक साथ मिलाकर के 8 टर्म नहीं बनता है। कहीं भी यहाँ पर परंपरा टूट नहीं रही है। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। किरण रिजिजू साहब जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलचित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस और बीजेपी की भ्रंत बता रही है कि इस सत्र में हंगामा और विरोध खूब हो सकता है। और अभी तो कांग्रेस इंतजार कर रही है कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी कौन सा नाम आगे बढ़ाती है। माना जा रहा है कि मीटिंग और मंथन के बाद बीजेपी ने वो नाम तय कर लिया है। बेशक नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम ये तीसरा टर्म है, लेकिन पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी स्पीकर पद के लिए बीजेपी पर दबाव डाल सकती है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि सीटें भले ही कम हैं, लेकिन मोदी में वही दम है। यानी कहीं से भी ऐसा सिग्नल नहीं आया है जिससे लगे कि बीजेपी अपने सहयोगी के आगे सरेंडर है।
आमतौर पर संसदीय परंपरा यही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो सत्तारूढ़ दल के पास हो। विपक्ष को भी समझ में आता है कि जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो होगा सत्तारूढ़ दल का, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अब जब गठबंधन की सरकार है तो कम से कम TDP और JDU जो BJP के सबसे बड़े सहयोगी दल हैं उनका अगर लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है तो सदन में एक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहेगा। स्पीकर का पद जो है, सरकार चाहे गठबंधन की हो या गैर गठबंधन की हो, अकेली बहुमत की हो, हमेशा बड़ा निर्णायक होता है, क्योंकि सदन की कार्यवाही चलाने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और स्पीकर की जो भूमिका होती है वो एक तरह से सदन के अंदर सर्वोच्च न्यायाधीश की भूमिका होती है। सदन के नियमों के अनुसार सदन चले, सत्ता पक्ष विपक्ष को बराबर का मौका मिले और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले और सरकार जब उन सवालों पर जवाब दे तो विपक्ष उनको सुने, ये सारी व्यवस्थाएं जो है करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है।